अरे आगे मत जाओ यार, अरे वो अपने आएंगे बैठ देने, भाई आज हम लोग छपरा के मसरक में जहां पे जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोगों की हत्या हुई है, और ये हत्या ही है। आज हम लोग खुद वहां पर गए थे और कई परिवारों से आज हम लोगों ने वहां पर मुलाकात की। पहली बात तो जो वास्तु स्थिति है उसकी जानकारी मां महिम राज्यपाल जी को हम लोगों ने दी, क्योंकि आज हम लोग खुद वहां पर होकर आए हैं और मां महिम जी को बताया कि किस तरीके से प्रशासन इस पे लीपा पोती करने का प्रयास कर रहा है। हकीकत में जितने लोगों की मृत्यु के आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा वहां पे हत्याएं हुई हैं, कई गुना ज़्यादा लोग वहां पर मरे हैं, ये जानकारी मां महिम जी को दी। किस तरीके से प्रशासन के लोग खुद इस घटना में लिप्त हैं, उनके तार खुद उनसे जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर जांच की जिम्मेदारी है, ये जानकारी हम लोगों ने मां महिम जी को दी। और बिहार में जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल उत्पन्न हुआ है, भले वो जहरीली शराब को लेकर हो, भले वो बढ़ते अपराध को लेकर हो, आए दिन हो रही लूटमार हत्या अपहरण डकैती बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर हो, इन तमाम विषयों की जानकारी हम लोग आरा गए थे उसकी भी जानकारी दी हम लोगों ने। 9 दिन में 9 हत्याएं, अरवल की भी हम लोगों ने जानकारी दी कि किस तरीके से माँ बेटी को जलाकर मार दिया गया। तो जिस तरीके से बिहार में एक अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो अहंकारी रवैया है, पिएगा तो मरेगा जैसे उनके बयान, या जिस तरीके से वो कहते हैं कि भैया कोई सहानुभूति नहीं है ऐसे लोगों के साथ, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि इन लोगों के साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है, वो तस्वीरें मुख्यमंत्री जी को देखने की ज़रूरत है। 20 दिन की बच्ची की, 80 साल की बूढ़ी माँ की, जिनके साथ वो कहते हैं कि मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। ऐसे में अगर प्रदेश का मुखिया इतना अहंकारी हो जाए और उनके नियंत्रण से पूरी तरीके से कानून व्यवस्था दूर हो जाए, ऐसे में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा और कोई विकल्प बचता ही नहीं है। हम लोगों ने, पूरे प्रतिनिधि मंडल ने विनम्र आग्रह, हाथ जोड़कर मां महिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने यह आग्रह किया है कि हमारे प्रदेश को वो बचाएं, बिहार को बचाएं, और बिहार को बचाने के लिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की जाए। मां महिम जी ने भी तमाम बातों को पूरी गंभीरता से सुनते हुए स्पष्ट शब्दों में उन्होंने इस बात को कहा कि यकीनन बिहार की परिस्थिति काफ़ी भयावह है और जो अनुरोध हम लोग उनके पास लेकर गए हैं वो उसको पूरा करने का यकीनन वो प्रयास करेंगे, ये विश्वास भी मां महिम जी के द्वारा हम लोग। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।